तो गाइस कार्तिक भैया फिर से वापस आ गए हैं एक नए मूवी के साथ, जिसको कि हम लोग को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कार्तिक भैया को अगर आपने हल्के में ले लिया ना तो आप शॉक्ड होगे। क्योंकि आपको याद होगा कि फरीदी मूवी आई थी जिसको सब हल्के में ले रहे थे, जिसको देखने के बाद मैं खुद शॉक्ड हो गया था कि भाई इतना बढ़िया एक्टिंग कोई कैसे कर सकता है। धमाका मूवी की बात कर लो, वो भी इसी टाइप की थी। और सबसे बड़ी बात, भूल भुलैया 2, जिसको सबने पहले ही बोल दिया था कि ये मूवी फ्लॉप है, नहीं चलने वाली, लेकिन जब उसको थिएटर में जाके लोग देखे ना, तो वो इस ईयर की इकलौती सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी थी, याद तो होगा ही आपको। लेकिन अगर बात करें सत्यप्रेम की कथा की ना, जो कि 29 जून को आने वाली है, तो इसको अगर आप हल्के में ले रहे हो ना तो बिल्कुल मत लो। क्योंकि अगर आपने ट्रेलर को ध्यान से देखा होगा ना, तो हाफ ट्रेलर जो है वो अलग फॉर्मेट पे और हाफ ट्रेलर अलग फॉर्मेट में, मतलब बोलने का मतलब ये है कि पहला जो आधा ट्रेलर है ना, उसमें दिखाया गया है कि कितनी ज्यादा रंगीन लाइफ है, वो कैसे हीरोइन को पटा रहा है, मतलब कार्तिक भैया जो है कैसे हीरोइन को पटा रहा है, कैसे उसको फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन उसको धीरे धीरे दोनों को रियलिटी में प्यार हो जाता है। लेकिन अगर सेकंड हाफ में देखे ना, तो जितना भी फन एलिमेंट है सबको गायब कर दिया गया और इमोशन पे ज्यादा फोकस किया गया, जो कि आपने अगर ध्यान दिया होगा तो ये मूवी एक नॉर्मल मूवी नहीं होने वाला है। ये आपको एक पार्ट तो पढ़ा के जाएगा, उसी के साथ आपको इमोशन भी फील कराएगा। और उसमें एक चीज लिखा हुआ था, अगर आपने ध्यान दिया होगा, ये एक म्यूजिकल लव स्टोरी, जिसका बोलने का मतलब सीधा सीधा ये है कि इसमें जो म्यूजिक होंगे, जो इमोशन का काम करेंगे, वो म्यूजिक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेंगे। जैसे कि अगर गाने की बात करें तो गाने सुन के आप इमोशनल हो जाते हो, आपको पता ही है, अरिजीत सिंह के गाने तो सुनते ही होगे ना, ओ बेदर्दिया, आधे लोग तो रोते फिर रहते हैं, तो याद तो होगा ही आपको उससे। तो उसी तरह इसमें भी जो USP पॉइंट होगा ना, वो होगा हमारा म्यूजिक, जो कि बहुत ही अच्छे से काम करेगी, क्योंकि देख के लग भी रहा है। उसी के साथ अगर दूसरी चीज की देखें ना, तो कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी के साथ साथ गजराज राव भी है, जो कि बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं, और राजपाल यादव तो है, जो कि कॉमेडी फन एलिमेंट ऐड करेंगे, उनका काम ही है ये। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अगर बात करें इसके डायरेक्टर के समीर विद्वान, तो इन्होंने कोई भी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी तो अभी तक नहीं दी है, लेकिन हो सकता है उनके लाइफ की ये पहली ब्लॉकबस्टर मूवी बने, जो कि होगी सत्य प्रेम की कथा। तो मैंने ट्रेलर देखा और मेरे को बहुत सारी नई नई चीजें इसमें देखने मिली, जो कि छुपा दिया गया। अगर आपने इसकी स्टोरी देखी होगी तो स्टार्टिंग से जब उन लोगों को प्यार होता है और प्यार होते होते वो शादी होता है, जो कि लड़का वर्जिन होता है, ऑफकोर्स लौंडे अधिकतर वर्जिन ही होते हैं, तो वर्जिन होता है, वो जब वर्जिनिटी लूज करना चाहता है किसके साथ, अपनी बीवी के साथ, जो कि शादी में जल्दी से तब्दील हो जाता है और नोट बन जाता है। लेकिन शादी के एक दिन पहले या शादी के एक दिन बाद क्या दुर्घटना होती है पता नहीं, जो कि हम लोग को नहीं दिखाया गया, जो कि सस्पेंस के लिए छोड़ा गया है। जो भी होता है उससे एक चीज हीरोइन फोर्सी और बोलती है कि कुछ जोट होते हैं जो दूसरे को पसंद नहीं होते और कुछ जोट होते हैं जो खुद को पसंद नहीं होते, मतलब समझ रहे हो कितना बड़ा लाइन बोल के गई वो। तो इससे पता चलता है कि मूवी की स्टोरी जो है ना, वो जैसा हम लोग को लग रहा है एज इट इज वैसा नहीं होने वाला है, बहुत ही ज्यादा यूनिक होने वाला है, जो हम लोग पहली बार देख रहे हो सकता है। तो ये पॉइंट हो सकता है इस मूवी के अंदर ज्यादा ह्यूमर ऐड करें, जिससे हम लोग ज्यादा रिलेट कर पाए, कुछ नया देखें, जो कि बहुत ज्यादा वर्क करने वाला है मेरे को लगता है। तो ट्रेलर देख के ओवरऑल मेरे को बहुत अच्छा वाला फीलिंग आ रहा है और मैं इसको फोर्स और देखने जा रहा हूँ। अगर आपने ट्रेलर देख लिया तो मुझे कमेंट में बता देना कि आपको कैसी लगी थी, और तब तक के लिए देखते रहे आपका अपना RST वर्स।